अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार ईरानी चाय बनने जा रही है। पतीली में जो है वो चाय की पतीली में 2 कप जितना पानी शामिल कर रही हूँ। 2 कप पानी शामिल करके हम इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून जितनी शुगर जाएगी। हम यहाँ 2 टेबल स्पून जितनी पत्ती ऐड करेंगे। पत्ती हमने वही नॉर्मल लेनी है जो हम रेगुलर अपने घरों में बनाते हैं चाय, उस पत्ती से, उसी से ही हम ईरानी चाय बनाएंगे। 2 टेबल स्पून जितनी शुगर, 2 टेबल स्पून जितनी पत्ती। अब हमने अपनी पतीली को जो है वो कवर कर दिया है और अब हम इस पर जो है ये गूंदा हुआ आटा जो है वो इसके साइडों में लगाएंगे, पतीली के साइडों में, ताकि जो बिल्कुल जो स्टीम है वो इसके अंदर ही रहे और ये बिल्कुल कवर होकर पकेगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। एक दूसरी पतीली में मैंने ईरानी चाय बनाने के लिए तकरीबन आधा किलो दूध ले लिया है और इसमें 4 छोटी इलायची, हरी इलायची शामिल कर ली है और इसको अब हम पकाएंगे। यहाँ इस पतीली में जो है वो हमारा कहवा तैयार हो रहा है ईरानी चाय का और इस पतीली में जो है वो दूध पक रहा है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट आप लोग कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं हमारे दूध को बॉयल होते हुए इलायची के साथ, और कितना प्यारा खूबसूरत सा इस पर पिंक पिंक सा कलर आ गया है, बिल्कुल रबड़ी दूध जैसा। अब हम इसको स्लोली स्लोली से जो है वो अपने कहवे में शामिल करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी चाय की पतीली को बिल्कुल अच्छी तरह से साइडों से ढक्कन ढककर आटे से कवर कर दिया था। गूंधा हुआ आटा आपने लेना, सख्त आटा गूंधा हुआ होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सख्त आटा गूंधा हुआ हो और वो आप साइडों से बिल्कुल कवर कर दें और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए आप पका लें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो ईरानी चाय का, वो आप मेरे साथ बंधे रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरह आपको मज़ेदार ईरानी चाय बनाने का तरीका पता चलेगा और फिर आप लोग इसको बना सकेंगे। हमारे ईरानी चाय के कहवे को पकते हुए यहाँ 20 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इसका जो कवर था वो हटा दिया है और उसके आटे के लेयर को भी बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब मैं इसमें स्लोली स्लोली जो है वो अपना कुक्ड जो है बॉयल्ड मिल्क शामिल करूंगी जो इलायची के साथ हमने पकाया था। अब हम अपने ईरानी चाय के कहवे में स्लोली स्लोली जो है वो मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आ रहा है हमारी ईरानी चाय का, बिल्कुल ये होटलों में जैसे मिलती है रेस्टोरेंट्स में ईरानी चाय, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट है। और अब मैं इसको तकरीबन एक बॉयल देकर इसको मैं कप्स में निकाल लूँगी। लीजिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर मेरी बहुत ही मज़ेदार ईरानी चाय जो है वो कप्स में आ चुकी है और अब मैं इसको अपने गेस्ट को सर्व करूँगी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा ये मज़ेदार ईरानी चाय, और इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी ईरानी चाय। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो है वो कंडेंस मिल्क भी दूध में ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है। अदरवाइज़ ये बगैर कंडेंस मिल्क के भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। विंटर सीज़न है, ईरानी चाय बनाएं, कश्मीरी चाय बनाएं। आप लोगों को मैंने दोनों चाय की रेसिपीज़ दे दी हैं। अपने चैनल पे अनिका किचन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।